नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पांचवी बार राष्ट्र को संबोधन किया। श्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 4.0 की घोषणा 18 मई से पहले की जाएगी। हमें पूरा भरोसा है, नियमों का पालन करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक मंत्र दिया और कहा कि आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट खरीदने हैं बल्कि उनका प्रचार भी करना है। उन्होंने कहा कि भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। आज स्थिति यह है कि भारत में प्रत्येक दिन 2 लाख पीपीई किट और 2 लाख मास्क बनाए जा रहे हैं। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में आंधी और बारिश आने वाली है। झारखंड के गढ़वा, पलामू, गुमला, रामगढ़, सिमडेगा, लातेहार जिले में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। वहीं देखा जाए तो बीते दिन पलामू में वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत और 3 लोग घायल हुए। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, बोकारो, देवघर, दुमका, हजारीबाग जिले के कुछ भागों में वज्रपात और ओले गिरने की संभावना जताई गई है। झारखंड में लॉकडाउन पर 17 को निर्णय। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लॉकडाउन पर 17 मई को केंद्र सरकार जो निर्णय लेगी, राज्य सरकार भी उसी के अनुरूप चलेगी। उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है, लेकिन झारखंड सरकार केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार करेगी। झारखंड में आज 11 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जिसमें जमशेदपुर से 2, हजारीबाग से 6, रांची से 1 और लातेहार से 1 और गिरिडीह से 1 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 162 से बढ़कर 173 हो गई, जबकि 79 लोग स्वस्थ हुए और 3 लोगों की मृत्यु हुई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 74,292 है, जबकि 24,420 लोग स्वस्थ हुए और 2,415 की मृत्यु हो चुकी। झारखंड के प्रवासी मजदूर जो घर लौटना चाहते हैं, उनके लिए सप्ताह में 2 दिन ट्रेन दिल्ली से रांची के लिए रवाना हो रही है। जो भी मजदूर झारखंड लौटना चाहते हैं, दिल्ली से ट्रेन शाम 4 बजे प्रत्येक बुधवार और शनिवार को रांची के लिए रवाना होगी। आज 13 मई को नई दिल्ली से शाम 4 बजे ट्रेन रांची के लिए खुलेगी। वैसे मजदूर जो दिल्ली को छोड़कर अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं और झारखंड लौटना चाहते हैं, वे जहाँ हैं वहाँ से ट्रेन द्वारा दिल्ली लौटे और दिल्ली से ट्रेन पकड़कर रांची आ सकते हैं। सभी राज्यों से दिल्ली के लिए ट्रेन का समय पिछले वीडियो में बताया गया है, आप कल का वीडियो देख सकते हैं। शिक्षकों के लिए भेजे गए मास्क व सैनिटाइजर। खबरों के अनुसार झारखंड एकेडमी काउंसिल ने मैट्रिक व इंटर की कॉपी जांच की प्रक्रिया तैयार कर ली है। 17 मई के बाद कॉपी जांच शुरू की जा सकती है। ऐसे में संक्रमण से बचने के लिए काउंसिल द्वारा परीक्षकों के लिए मास्क व सैनिटाइजर भेजे गए हैं। कॉपी जाँच के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा, साथ ही 2 परीक्षकों के बीच की दूरी 6 फीट होगी। जमशेदपुर जिला से पहली बार 2 संक्रमितों की पुष्टि हुई। घाटशिला अनुमंडल के चाकुलिया निवासी 2 संक्रमित मिले। दोनों व्यक्ति पश्चिम बंगाल से 8 मई को लौटे थे। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर पूरी तरह सील कर दिया है, साथ ही आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। लोगों से अपील किया है कि जिला प्रशासन का सहयोग करें, अपने घरों से बाहर अनावश्यक न निकले और मास्क का प्रयोग अवश्य करें। दूरदर्शन पर पहले दिन गणित और विज्ञान की हुई पढ़ाई। खबरों के अनुसार सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए सोमवार से दूरदर्शन पर पढ़ाई शुरू हो गई है। पहले दिन गणित और विज्ञान की पढ़ाई हुई। कक्षा 9 व 12 के विद्यार्थियों ने गणित और भौतिकी पढ़ा तथा कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने गणित में वास्तविक संख्या व विज्ञान में रसायन, अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में बताया गया। यह कार्यक्रम 10 जून तक दूरदर्शन पर प्रसारण किया जाएगा। रिम्स की फाइलें स्वास्थ्य मंत्री ने लटकाई, मरीज हित में फैसला अटके। खबरों के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने टेंडर से जुड़ी रिम्स की मूल फाइलों अप्रैल में ही अपने पास मंगा ली। साथ ही निर्देश दिया कि इन फाइलों का निपटारा उनके अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। ऐसे में रिम्स में सीटी स्कैन मशीन खरीदने, मरीजों को खाना खिलाने से जुड़ी अहम मुद्दे पर फैसला नहीं हो सकता है। गढ़वा जिला के क्वारंटाइन सेंटर में नहीं मिल रहा सुविधा। खबरों के अनुसार गढ़वा जिला के मजदूरों ने बताया कि उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में समय से भोजन नहीं दिया जाता है, खाना सिर्फ दोपहर में ही मिल पाता है। ऐसे में मजदूरों ने गढ़वा NH 343 को जाम भी किया। झारखंड के 5 प्रमंडल में पहुंचा संक्रमण, जानिए किस जिला में कितना मरीज। खबरों के अनुसार झारखंड के 5 प्रमंडल में संक्रमण का फैलाव हो चुका है। ऐसे में रांची सिर्फ रेड जोन में है। झारखंड के रांची में 95, बोकारो से 10, हजारीबाग से 10, धनबाद से 4, गिरिडीह से 5, कोडरमा से 2, सिमडेगा से 2,
देवघर से 4, गढ़वा से 23, पलामू से 8, जामताड़ा से 2, गोड्डा से 1, दुमका से 2, जमशेदपुर से 2, लातेहार से 1 हैं, जिसमें रांची से 2 और बोकारो से 1 मरीजों की मृत्यु हुई। बोकारो के मनोज चंचला ने गाया हिमेश रेशमिया के साथ गाना। खबरों के अनुसार लॉकडाउन में समय का सदुपयोग कर रहे बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के मनोज चंचला ने खूब चर्चा में है। मनोज ने बॉलीवुड सिंगर हिमेश रेशमिया के साथ ऑनलाइन ड्यूट सॉन्ग गाया। हम आपको बता दें कि मनोज इससे पहले नेहा कक्कड़ के साथ ऑनलाइन सॉन्ग्स गा चुके हैं। चेन्नई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज हटिया पहुंचेगी। खबरों के अनुसार चेन्नई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज हटिया स्टेशन पर सुबह 7:30 बजे पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 1237 यात्री हैं जो चेन्नई से रांची आएंगे। आने के बाद मजदूरों का हटिया में थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा। किसानों के लिए अर्जुन मुंडा ने सीएम को लिखा पत्र। खबरों के अनुसार केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर किसानों को अविलंब बीज उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। श्री मुंडा ने लिखा है कि हाल ही में लोगों ने बताया कि अभी तक धान बीज किसानों को नहीं मिला है, जबकि धान की बुआई 25 से 30 मई के बीच शुरू होती है। साहिबगंज के मुन्ना यादव छत्तीसगढ़ में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में हुए शहीद। खबरों के अनुसार साहिबगंज के सदर प्रखंड अंतर्गत महादेवगंज के निवासी मुन्ना यादव सोमवार को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिलों में नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में शहीद हो गए। वे सीआरपीएफ के 170वीं बटालियन के जवान थे। झारखंड के 4 कैदी दिल्ली जेल से पैरोल पर छूटे। खबरों के अनुसार दिल्ली जेल में बंद झारखंड के 4 कैदियों को पैरोल पर रिहा कर दिया गया। दिल्ली के डीसीपी ने राज्य सरकार को इसकी सूचना दी है। सूचना में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आलोक में कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया है। पलामू जिला में लॉकडाउन उल्लंघन पर 65 दोपहियों वाहन जब्त। खबरों के अनुसार पलामू जिला के मेदिनीनगर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छमुहान व रेडमा चौक में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना कार्य के चल रहे 65 वाहन को जब्त किया गया। मजदूरों को लेकर कोडरमा पहुंची स्पेशल ट्रेन, 2400 प्रवासी मजदूर पहुंचे झारखंड। खबरों के अनुसार लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर चली 2 श्रमिक ट्रेन मंगलवार को सुबह कोडरमा जंक्शन पहुंची। लॉकडाउन के बाद यहां पर पहली बार ट्रेन का आवागमन हुआ है, जिसमें तेलंगाना, हैदराबाद, गुजरात से 2400 मजदूर झारखंड लौटे। मजदूरों की हालात कृषि से बदलेगी। खबरों के अनुसार कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने प्रवासी मजदूरों के लिए कहा है कि हमारा राज्य कृषि प्रधान है और यहाँ पर मजदूरों की स्थिति कृषि से ही बदलेगी। उन्होंने कहा कि मजदूर बाहर से लौट रहे हैं, उन्हें रोजी रोटी के लिए काम चाहिए, जो यह समस्या दूर करने के लिए कृषि ही सहयोग होगा। 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले पुलिसकर्मी की ड्यूटी संक्रमण इलाके में नहीं। खबरों के अनुसार संक्रमण का खतरा अब पुलिसकर्मियों पर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले पुलिसकर्मियों को संक्रमण प्रभावित इलाके और जुड़े मामले में ड्यूटी लगाने पर पुलिस मुख्यालय ने रोक लगा दी है। माइक्रोबायोलॉजी का लैब टेक्नीशियन व वृद्ध साधु स्वस्थ। खबरों के अनुसार राज्य में 2 दिन में 3 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। तीनों को अस्पताल से छुट्टी दी चुकी है। ऐसे में तबलीगी जमात में शामिल होने वाले वेस्टइंडीज के युवक भी सम्मिलित है। 2 जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद छुट्टी दे दिया गया। लातेहार से मिला एक संक्रमण पॉजिटिव व्यक्ति। खबरों के अनुसार लातेहार जिला अब तक संक्रमण से मुक्त था, लेकिन आज एक संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। लातेहार प्रशासन ने इस स्थानों को पूरी तरह से सील कर दी है। लोगों को घरों में रहने की अपील की है। जेपीएससी अभ्यर्थी बोले सभी पेपर में पास होना जरूरी नहीं। खबरों के अनुसार जेपीएससी द्वारा 6ठी सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के अनुसार सभी पेपर में पास होना अनिवार्य नहीं है। चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि जेपीएससी के अलावा देश के किसी भी आयोग में न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्रत्येक विषय में लागू नहीं होता है। रांची में पीएमजीएएसवाई के तहत सड़क कार्य योजना शुरू। खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की करीब 1200 किमी सड़क योजना पर काम शुरू हो गया है। नई के साथ पुरानी योजना पर भी काम हो रही है।
विभागीय इंजीनियर का कहना है कि मजदूरों को रोजगार मिल सकेगा। मजदूरों के नाम संदेश, प्रवासी मजदूर जो राज्य से बाहर फंसे हुए हैं और झारखंड लौटना चाहते हैं, वे दिल्ली से रांची सप्ताह में 2 ट्रेन चलाई जा रही है, लौट सकते हैं। कुछ मजदूरों का कहना है कि मेरे पास टिकट बुकिंग का पैसा नहीं है, तो इन मजदूरों के लिए पंजीकरण की सुविधा दी गई है, आप पंजीकरण करा लें, आपको SMS के द्वारा जल्द सूचना मिलेगी। आप धैर्य बनाए रखें, सभी मजदूर को झारखंड लाया जाएगा। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए, साथ ही वीडियो को 1 लाइक कर अपने दोस्तों के WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।